नमस्कार, आप देख रहे हैं SSN न्यूज। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल बाजार स्थित होटल राहुल पैलेस के सौजन्य से आज गुरुवार को सुबह से कूड़ा उठाव वाहन का शुभारंभ चांडिल बाजार में सुखराम हेमब्रम, चांडिल अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर HS शेखर आदि ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान राहुल पैलेस के ओनर सुखराम हेमब्रम ने बताया कि राहुल पैलेस के सौजन्य से चांडिल बाजार को साफ सफाई और स्वच्छ रखने के साथ हरा भरा रखने के लिए एक प्रयास है। उन्होंने बताया कि चांडिल बाजार में जगह जगह कूड़ा कचरा के अंबार के कारण लोग सड़क पर चल भी नहीं पाते हैं। लोगों को इस तरह की कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए एक पहल को राहुल पैलेस के सौजन्य से पूरे चांडिल बाजार में गुरुवार सुबह 7 बजे प्रारंभ किया गया। आज से चांडिल बाजारवासी सभी अपने अपने घर से एक निर्धारित समय पर सुबह 7 बजे घर के बाहर कचरा निकालकर गाड़ी में डालें और पूरा चांडिल बाजार साफ और स्वच्छ रखने में सहायता करें। कुछ दिन के अंदर बाजार के सभी ठेले, होटल और सार्वजनिक स्थल पर 300 डस्टबिन दिए जाएंगे, जो कि पूरा निशुल्क होगा। इस स्वच्छता पहल कार्यक्रम के दौरान देवाशीष राय, विद्युत दा, नीतीश दा, आशीष कुंडू, बुद्धेश्वर गोप, नंदू गुप्ता, अधिवक्ता महेंद्र महतो आदि मौजूद थे। होटल राहुल पैलेस चांडिल के द्वारा या सौजन्य से चांडिल बाजार को स्वच्छ और स्वास्थ्य बनाने के लिए या साफ रखने के लिए, चांडिल को ग्रीन बनाने के लिए हम लोग ने एक पहल शुरू किए हैं, प्रयास शुरू किए हैं, जिसके तहत आज हम लोग कूड़ेदान वाहन को चलाने का या शुरू करने का काम किए हैं। ये वाहन पूरा चांडिल बाजार डैम रोड को भ्रमण करते हुए जो भी कूड़े कचड़े उस वाहन को प्राप्त होंगे उसको सुरक्षित जगह में जा करके डंप कर दिया जाएगा। को देखते हुए विशेष करके मैंने चांडिल बाजार में एक अनुभव किए हैं कि आए दिन यहाँ कूड़े कचड़े का अंबर से जो प्रदूषण फैलता है उसके कारण बहुत ऐसे बीमारियों भी फैलता है। और यहाँ जिस कचड़े का बात करते हैं, मेरा यहाँ नज़दीक में ही, उधर से लोग पैदल जाने में बहुत मुसीबत हो जाता है। तो बहुत सारा ऐसे यहाँ समस्या हमने देखा और हमको लगा कि समाज हित में मानवता के नाते कुछ योगदान सभी लोगों को देना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि इस विषय पर क्यों ना हम ही पहल करें और एक छोटी सी आज ये प्रयास है आज से शुरू कर दी है। जो भी कचरा है, जहां भी कचरा है, जहां भी कचरे के ढेर लगी हुई है, उसको थोड़ा थोड़ा करके सबको क्लीन कर दिया जाएगा, सबको उठाया जाएगा। आज तो रवाना जबकि कार्यक्रम था हम लोग का, चिकित्सा पदाधिकारी चांडिल डॉक्टर हंसदा जी आए थे और बारिश भी थोड़ा रिमझिम हो रही थी, इसके कारण थोड़ा लेट हो गए। 8 बजे हम लोग ने रवाना कर दी। कल से नियमित रूप से 7 बजे सुबह प्रारंभ होगी गाड़ी और अपने चांडिल को भ्रमण करते हुए जो भी टाइम लगेगा अपना कचरा को उठाने का काम करेंगे। तरफ से जो अभियान चलाया जा रहा है ये बहुत अच्छा है और इससे चांडिल का बाजार पूरा सफाई रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा और यहाँ का जो भी जो डेंगू वेंगू फैल रहा है सब फैलने का रोकथाम भी होगा। और बहुत अच्छा सराहनीय है ये के सभी लोगों को आदमी अपील करना चाहते हैं कि सब अपना घर के कूड़े कचरे को एक जगह जमा करें और जब ये गाड़ी वहाँ से गुजरे वो गाड़ी में उसको डाल दिया जाए, जिससे वो कहीं मतलब सेफ जगह में चले जाए, वहाँ पर फेंकाए, रोड में कचरा मत फैले। सब आदमी को भी इसमें सहयोग करना होगा, अपने घर से सब कचरा उठा उठा के सभी गाड़ी में डालें कि इससे अपना चले जाए। दिन भर की ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ YouTube और Facebook पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।